The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. I am Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Dosto, hair loss or thyroid ka आपके हॉर्मोन्स का एक बहुत गहरा संबंध है. आज थायराइड के बारे में आपको बताएंगे. अगर आपको बाल झड़ रहे हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो बाल झड़ सकते हैं. तो ये दोनों सिचुएशन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है. और हॉर्मोन्स हेयर लॉस के लिए बहुत सालों से ब्लेम किए जाते हैं, और सच भी है. आप स्ट्रेस में हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके हॉर्मोन्स एबनॉर्मल है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या आपके मेंसेस ख़त्म हो गए, मीनोपॉज हो गए, आपके हेयर लॉस हो सकता है. फीमेल्स बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं हेयर लॉस, और मेल्स को भी दिक्कत होती है. और जो मेल्स के हॉर्मोन साइक जो एंड्रोजेनिक हॉर्मोन है DHT, उसके वजह से तो हेयर लॉस होता ही है. तो हॉर्मोन्स बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं आपके हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस में. वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपका थायराइड. जो थायराइड जो है वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग इज मेटाबोलाइज्ड. आपके जो मेटाबॉलिज्म है ओवरऑल रेस चलाता है आपके पूरी बॉडी का. अगर थायराइड आपका कंट्रोल में ना हो तो आपकी बॉडी बहुत तेज़ या बहुत स्लो हो जाएगी. फुल बॉडी की बात करें, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज somehow controlled by thyroid hormones in some extent, to some extent. So, hair की भी एक hair cycle होती है. Hair cycle होती है. Hair पहले जो anagen phase होता है, growth phase होता है उसका, वो grow होता है. जितना उसका grow होना है, जितनी उसकी length होनी है वो grow होता है. एक बार उसकी final length पहुँच जाती है, उसके बाद वो और grow नहीं होता, राइट. तभी ये बाल ऐसे टाइम इधर तक बाहर नहीं निकल रहे, राइट. उतने वो ग्रो नहीं होता, फिर वहाँ पर वो रुक जाता है, वो उसका ग्रोथ रुक जाता है. मतलब वो जड़ से हट जाता है, वहीं फॉलिकल में रहता है. उसको फिर हम टीलोजन फेज कहते हैं. फिर वो टीलोजन फेज जितने दिन रहता है रहता है, और जब ये बाल झड़ जाता है फिर नया फेज शुरू होता है, कैटाजन फेज. सो फिर ग्रोथ फेज शुरू हो जाती है. फिर वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इस फेजेस का. अब ये फेजेस हमने अलग से वीडियोस में समझाया, बट पॉइंट इज कि ये एक लाइफ साइकिल है हेयर का. हर पार्ट ऑफ हेयर इन द बॉडी उसके अलग अलग लाइफ साइकिल है. उसी से डिसाइड होता है कि इधर इतने बाल होंगे, उधर उतने बाल होंगे, इतने दिन रहेंगे, इतने दिन रहेंगे. अब थायराइड की एबनॉर्मलिटी हो जाए, हाइपोथायराइड हो जाए, तो ये लाइफ साइकिल आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा. प्रोलॉन्ग मतलब स्लो हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि ग्रो ही नहीं हो रही, अगला लाइफ साइकिल वाले ग्रो नहीं हो रहे हैं. और ये जो टीलोजन वाले जो लूज बाल होते हैं वो और ज़्यादा गिरते शुरू हो जाते हैं, तो हेयर लॉस होता है. अब याद रखिए, ये प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो थायरॉयड हार्मोन आपके कम हो गए, TSH ज़्यादा हो गया, यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, और बहुत लंबे समय तक ज़्यादा है. एक हाथ दो महीने के लिए होगा, तीन महीने तो नहीं होगा आपको, राइट. सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान थायरॉयड प्रॉब्लम आई फिर ठीक हो गई तो नहीं होगा हेयर फॉल, लेकिन लंबे समय तक रहता है. प्रोलॉन्ग्ड और सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है तब होगा. सो तब आपके केस में आपको बाल जाएंगे. और यहाँ तक कि सिवियर और प्रोलॉन्ग्ड हाइपरथायरॉयड हो तब भी बाल जाते हैं, हाइपरथायरॉयड में भी बाल जाते हैं, हेयर लॉस होते हैं. मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि बालों के जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचेगा ही नहीं, वैसी ग्रोथ खराब होने लग जाएगी, क्योंकि आप बाकी सब इस्तेमाल कर लोगे, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाएगा. सो दिक्कत होने लगती है. सो दोनों के दोनों दिक्कत वाली चीज़ें हैं आपके, हाइपर या हाइपो, सीवियर केस हो, प्रोलॉन्ग्ड हो, कई महीने कई सालों तक तो हो जाता है. अब प्रॉब्लम की बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लक्षण कुछ नहीं है. लक्षण आते हैं जब तक आते हैं. कई लोग बाद में जाके डायग्नोस होते हैं और उनके कई महीनों से पहले से थायराइड हार्मोन एबनॉर्मल चल रहे होते हैं. पता चलता है मैं तो बहुत टाइम से दिक्कत हो रही है, बहुत टाइम से मोटे हो रहे हैं, बहुत टाइम से स्लो हो रहे हैं, मन नहीं करता, वीकनेस है, टेस्ट नहीं करवाते. तो कई टाइम से चल रही होती है और प्रोलॉन्ग ऑलरेडी हो गया, मतलब अब वो स्टेज आ गया कि हेयर लॉस होने लगा है, राइट. तो फिर दिक्कत होने लगती है. फिर आप लेते हो है एक थायराइड की गोली, और उसके फिर बाद देखते हो हेयर लॉस हो रहा है, फिर सोचते हो कि अरे तो थायराइड की गोली से हुआ है, और फिर वो थायराइड की गोली बंद कर देते हो, फिर थायराइड और कम हो जाता है, फिर और हेयर लॉस हो जाता है. मतलब हेयर लॉस. सो थायराइड के मेडिकेशन यानी थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट अगर ले रहे हो, थायरोक्सिन ले रहे हो, उससे हेयर लॉस नहीं होता है. आपके हाइपोथायराइड से हेयर लॉस होगा. हाइपरथायराइड अगर हो जाए, ज़्यादा
ज़्यादा थायराइड तेज हो जाए तो हेयर लॉस होता है, और जैसे हमने कहा इस कन्फ्यूजन से हेयर लॉस हो जाए, इससे तो नहीं हुआ, उससे तो नहीं हुआ, थायराइड की जो हाइपर हो जाए और थायराइड ग्लैंड बहुत हाइपर है, उसको दबाने की जो दवा होती है कार्बिमेजोल या प्रोपिल थायोयूरासिल, उनसे कुछ केसेस में, रेयर केसेस में हेयर लॉस हो सकता है, वो भी डिफ्यूज होता है थायराइड से, किसी प्रकार के थायराइड से अगर हेयर लॉस होगा तो पैची नहीं होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से ऐसे पैची नहीं होगा, पूरे हेयर से होगा, डिफ्यूज हेयर लॉस होगा और पूरे बाल कम होंगे, और जैसे ही आप उस एबनॉर्मल हॉर्मोन्स को करेक्ट करेंगे बाल वापस आएंगे, बट ये दिनों का काम नहीं है, महीनों का काम है, बाल आपके वापस आ जाएंगे, ये टेलोजन एफ्लुवियम जैसा है, जैसा हमने पहले समझाया अपने वीडियोस में, तो ये बाल जाएंगे, आप करेक्ट करोगे हॉर्मोन्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे बालों को ग्रोथ के लिए, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जिनसे हेयर डैमेज होता है वो नहीं होंगे, तो ये वापस आ जाएंगे। सो हेयर लॉस के और भी कारण हैं, थायराइड एक बड़ा कारण है, और कई लोग उससे डरते हैं कि एंटी थायराइड का जो रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट है कहीं उससे मेरे बाल तो नहीं डैमेज, नहीं, रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट से बाल डैमेज नहीं होते, एंटी थायराइड ड्रग से होते हैं, वो भी रेयरली होते हैं, और जो थायरोक्सिन की दवा है उससे बाल नहीं जाते, हाइपोथायरॉयड या हाइपर थायरॉयड से बाल जा सकते हैं सिवियर एंड प्रोलॉन्ग केसेस में, माइल्ड केसेस में नहीं जाते, टेम्पररी केसेस में नहीं जाते, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं जाते, मतलब अगर आपका 5-6, 5-6-7 ऐसे TSH चल रहा है, आपको डॉक्टर ने कहा अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो आपके बाल नहीं जाएंगे, चिंता ना करिए, अगर फिर भी बाल जा रहे हैं तो कोई और कारण है, आपके आयरन की कमी है, बायोटिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, पानी नहीं पीते, हेयर डैमेज कर रहे हो, उसके हमने बहुत सारे कारण ऑलरेडी वीडियोज़ में बताए हुए हैं, एक डिटेक्टिव बनना पड़ता है, प्रॉब्लम कहाँ है, हेयर डैमेज क्यों हो रहे हैं देखना होता है, हेयर केयर करनी होती है, हेयर ग्रोथ करनी होती है, हेयर ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट देने होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होता है, प्रॉपर पानी पीना होता है, सो स्ट्रेस कम लेना होता है, सही नींद लेना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेयर के लिए करनी होती है, आपको वो सारी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है, हेयर के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डैंड्रफ तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं है, कोई सिकरी तो नहीं है, कोई क्या है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर, इट्स जस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, राइट। सो जैसे बॉडी में भी बीमारियां 100 हो सकती है, बालों में भी बीमारियां 100 हो सकती है, सो थायराइड की प्रॉब्लम का चेकअप जरूर कराइए, बाकी अपने हेयर केयर के लिए हमारे बहुत सारे वीडियोज है, देखते रहिए, दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, थैंक यू फॉर लविंग माई वीडियोज, सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।